अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल है जिंदल स्टील, ट्रेड करा है 734, स्टॉप होगा 730 का, टारगेट होगा 745 फर्स्ट, 740 750 सेकंड टारगेट, जिंदल स्टील। स्टील होगा इस समय का गाबा सर का पहला ट्रेड। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ, तो उनको भी ट्रेड में ले लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, शिवांगी आपकी ट्रेड। आज पहला मेरा रडार पे है शोभा। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वीक ऑन वीक बेसिस काफी स्ट्रॉन्गली खड़ा है और अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है डेली फ्रेम में, एक नैरो रेंज से पूरा निकल रहा है और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है RSI फ्रंट में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1350 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 1280 के स्टॉक के साथ। सुबह लिमिटेड 1308 पर आपने पिक किया शिवांगी जी की कॉल इस वक्त की, और अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? या सो LTIM में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, 5936 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर है, मुझे लग रहा है यहाँ मूव एक्सटेंड होना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है ऊपर में 6020 तक के लेवल की तरफ काउंटर मूव करता हुआ दिख सकता है। 5885 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 6042-6097 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, LTIM मैनफ्री करीब 5935 पर कविता जी पिक करती हुई। मानस आपका ट्रेड? देखिए IT क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो LTTS में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप LTTIS में खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 5240 के आपको रखने हैं और 5425 तक के टारगेट्स स्टॉक में पॉसिबल है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आई थिंक एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 5300 वाला कॉल ऑप्शन 209 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 164 के रहेंगे और टारगेट 275 के रहेंगे। ओके अच्छा, एक बार जी को रिविजिट करते हैं, जरा ट्रेड्स लेंगे बाकी की जो बची हैं, लेकिन एक बार सिर्फ जी का प्राइस रिविजिट करते हैं। 10% नीचे अब इस समय टेम्परेरी फ्रीज पर ये स्टॉक। आज सुबह सुबह देखिए बिग स्टॉक में हमने चर्चा की थी इसकी कि आज यहाँ पर वीकनेस रहेगी काफ़ी, और बस ये बैन में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन 10% नीचे है अब ये स्टॉक इस समय जी एंटरटेनमेंट का, और काफ़ी सेलिंग प्रेशर है इसके ऊपर, जी के ऊपर। कुछ देर में इस पर डिटेल चेक भी लेंगे फंडामेंटली, लेकिन पहले ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं। शिल्पा जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरा रहेगा सन टीवी पे। सन टीवी में एक वो होल्ड कर रहा था 720 जोन, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये आपको बहुत क्विकली 745-750 दिखाएगा। तो सन टीवी फ्यूचर्स में बाय कीजिए, 725-726 चल रहे हैं, 718 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे 740-745 के टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा जब भी जी में इस तरह का इम्पैक्ट आता है सन टीवी के लिए थोड़ा फायदेमंद होता है वो, ये एक ट्रेड यहाँ पर। आशीष बहेती जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? अनुजी एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी, स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है एम्फेसिस का, स्टॉक 20 डे में वापस रीगेन करता हुआ देखने मिला, जिस हिसाब से सेक्टर टेलविन बना हुआ काफी इंप्रेसिव है। 2700 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2590 का एसएल मेंटेन करें। अब लेकर आइए सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, सब में एक अच्छा मोमेंटम, LTTS, कोफोज, विप्रो, इन सब में। राजेश सतपुते जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुजी आईटी पे ही फोकस होगा, कोफोर्ज का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कोफोर्ज का जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 6380 से 6400, तो 6248 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो कोफोर्ज बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6200, सो बाय कोफोर्ज। बाय कोफोर्ज ये होगा आज का ट्रेड। एक बार निफ्टी आईटी वापस रख दीजिए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं कितनी रैली हुई। तो हम डिस्कस करते हैं कि करीब 400-600 पॉइंट की रैली कंजर्वेटिवली हो सकती है, आज 526 पॉइंट की हो गई, लेकिन अभी भी साइन नहीं दिखा रहा है रुकने के, 1.5% ऊपर इस समय आईटी इंडेक्स। गौरांग शाह जुड़े हमारे साथ, गौरांग जी गुड मॉर्निंग, आपका ध्यान किस स्टॉक पर? आपको भी शुभ प्रभात तनुज भाई। तो ऑटो सेक्टर ही ज्यादा पसंद आता है और काफी चर्चा टाटा मोटर्स और टू व्हीलर्स की हुई। एक कंपनी जो हमें काफी लंबे समय से पसंद आती है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत दबाव भी हमने देखा था बिक्री के आंकड़ों को लेकर के, वो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी अवधि का असर था। लंबी अवधि के लिए M&M पर तो काफी लंबे समय से खरीदारी की राय है, और अगर किसी को अगर छोटी या मध्यम अवधि के लिए भी अगर दाव लगाना हो तो तीसरी तिमाही से हमारा अनुमान है कि
मार्जिन्स बेहतर होते हुए आएंगे और ऑपरेटिंग एफिशिएंस के कारण आपको शुद्ध मुनाफे में शायद अच्छी खासी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और अगर आप लक्ष्य में पूछते हैं M&M पर, मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा M&M को 2000 के पार जाने में। और ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर पूरा चर्चा में रहेगा ये साल में 2024। ओके अच्छा अभी काम करते जरा एक बार आप निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइए, मतलब डिफेंसेस में ही आपका एक तो IT जो कल US मार्केट में उसके चलते लगभग 550 अंक ऊपर, कल क्वार्टरली अपडेट्स की झड़ी लगी थी FMCG में, एक प्राइस डैमेज हुआ, एक बहुत ही ओवरबॉट और ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री वाला FMCG स्पेस कल रिट्रेस हुआ। कल निफ्टी FMCG ने 20 दिसंबर के बाद पहली बार अपना कूलिंग ऑफ में ट्रेंड डैमेज हुआ। आज थोड़ा सा FMCG में मूव्स विजिबल हैं और एक अच्छे मूव आ रहे हैं। अच्छा इस बीच अदानी पोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है, पावर ग्रिड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है और वही एक कारण है कि निफ्टी बैंक अब 47,777 पे। डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक के जरा कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा एक बार हल्की सी बैंक्स की स्कैनिंग करते हैं, बैंक्स कौन कौन से इस वक्त डिलीवर करते हुए अच्छा कर रहे हैं। ऑल दो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये देखिए सारे गेनर्स के साइड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI और एक्सिस बैंक। मानस अगर पुलबैक खेलना हो और ये सीरियस पुलबैक में अगर कन्वर्ट होना है तो आपका सबसे बड़ा ट्रस्ट करने वाला स्टॉक कौन सा होगा, किस पे आप स्ट्रक्चर पे लाइक करेंगे इस वक्त, एक्सिस बैंक? देखिए अगर हम बैंकिंग की बात करें तो एक्सिस बैंक डेफिनेटली वहां पर एक पुलबैक देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। कल केवल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक अभी भी 20-day 10-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा समझना है कि अगर एक पुलबैक खेलना होगा तो एक्सिस बैंक में खेलना होगा, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। जब आपको ब्रेकआउट 1133 1133 के ऊपर देखने को मिले तब आप 1124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ओके चलिए दो ट्रेड्स रिविजिट करते हैं, एक तो कोफोज और एक अपोलो टायर्स। कोफोज कविता जी की पिक थी क्विक सिंगल में, कविता जी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ आपका, अब यहाँ पर सॉरी कोफोज मेरे ख्याल से हाँ राजेश सतपुत्र जी की पिक थी, राजेश जी सॉरी कोफोज आपकी पिक थी ये और काफ़ी क्लोज टारगेट का, और एक आपकी पिक थी अपोलो टायर्स ओपनिंग से पहले, वहाँ पर क्या व्यू रहेगा अब? आई थिंक कोफोर्स तो फ्रेश कॉल है तो कोफोर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यूशन में ही होगा, आप इसमें बने रहे, मुझे लगता है स्लोली एंड स्टडीली ये स्ट्रेंथ को दिखाएगा। तो एक्सपायरी हम लोग जो डेज का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि करीबन 6380 से लेके 6400 आना चाहिए, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। रही बात अपोलो टायर्स की, देखिए एक अच्छा स्विंग मिला है, ये 470-475 ये इसका पहला क्लस्टर है, लेकिन लगता है कि एक डिप मिलेगा फिर से यहाँ पे बाइंग होगी, हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 460 का। सो 460 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने पोजीशन लिए तो बने रहे, मुझे लगता है इवेंचुअली ये फिर से 480 प्लस को जाएगा, सो इट्स स्टिल अ बाय। ओके थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, कविता जी ने ये टॉप ट्रेड्स में टॉप पिक्स में लिया था कोफोज जब मार्केट खुलने से पहले, वो वाला टारगेट हिट हुआ है। कविता जी की ट्रेड एक बार लेकर आइए, वो रिविजिट करते हैं। कविता जी वो आपने जो ट्रेड लिया था वो आई थिंक फर्स्ट टारगेट खुलते ही हिट हुआ, अब सेकंड टारगेट के लिए बने रहे हैं यहाँ पर और स्टॉप लॉस के एडजस्ट करेंगे। सो फर्स्ट टारगेट इज लाइक सब्सटेंशियल मूव दिया उसके बाद भी 50 रुपए का, और अबाउट टू टेक सेकंड टारगेट 6300 हमारा सेकंड टारगेट था, सो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए 6175 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी काउंटर में बने रह जा सकता है 6300-6350 के प्राइस टारगेट के लिए। एक बार जरा LTTS वापस लेकर आइए, आज थोड़ा सा मैं ये कंफ्यूज था कि परसिस्टेंट लूँ या LTTS, मैंने खैर परसिस्टेंट ले लिया, खैर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला, लेकिन LTTS में खैर ज़्यादा अच्छा मूव आ रहा है, ये ऑब्वियसली मानस की ट्रेड थी, इसको रिविजिट करेंगे जब टारगेट के करीब आएगा। एक बार शिल्पा जी की सन टीवी ट्रेड भी रिविजिट करते हैं, आज देखिए थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं उन स्टॉक्स पर जहाँ पर इस समय मोमेंटम बन रहा है अच्छा सा, हाँ अब ये ट्रेड भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी चलने लगी है यहाँ पर। शिल्पा जी इसमें कुछ एडजस्ट करेंगे स्टॉप लॉस को क्योंकि अब ग्रिप में आ गई ट्रेड? यहाँ पे डे लो जो 723 है अभी इस पर आप ट्रेल कर दीजिए, डे लो टूटता है तो शायद वीकनेस और बढ़े, लेकिन अभी मुझे लगता है ये थोड़ा यहाँ पे आपको 735-740 तक लेके जाएगा। गौरांग जी अब एक व्यू चाहिए आपसे जी पर, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने बहुत पैसा लूज़ किया दोनों साइड, क्योंकि कभी कुछ न्यूज़ आती है कभी कुछ न्यूज़ आती है, एक तरीका तो होता है कि आप वेट कर लें फाइनल आउटकम आ जाने दें, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते वेट, आपका क्या भी होगा इस समय जी एंटरटेनमेंट पर 250 पर? देखिए बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन नतीजों पे कम
खबरों पर ज्यादा चल रहा है और मैं भी आपसे सहमत हूँ अनुज भाई कि जब तक निर्णायक तरीके से इस पार या उस पार नहीं हो जाता तब तक लोगों को जूझना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल दौर है एजी एंटरटेनमेंट के लिए। और जैसे अभी हर्षदा जी भी जिक्र कर रहे थे कि 20 जनवरी तक मेरे ख्याल से अगर सोनी ये वो जो नोटिस डील वापस लेने की जारी कर देता है तो शायद थोड़ा बहुत दबाव और देखने मिल सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय हमारी और 312 तक के लक्ष्य लंबी होती। इस बीच बैंक निफ्टी करीब 47,759 कलर नोट जो SBI और HDFC बैंक। अच्छा HDFC बैंक का आज का चार्ट रखिएगा फिर डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक पे। HDFC बैंक कर क्या रहा है आज करीब करीब 1663 स्टिल अनुज इज एट लोअर एच 20 डीमा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 20 डीमा ही है इसका। बैंक निफ्टी अभी तो हमें निफ्टी पे एडवांटेज है निफ्टी आईटी का, पर बैंक निफ्टी इन आइसोलेशन क्या कर सकता है यहाँ से? देखिए एज ऑफ नाउ तो कंट्रीब्यूटर्स हैं बिल्कुल। देखिए वीरू मैं एक चीज़ कहूँगा, बैंक निफ्टी में जो कल कोलैप्स आया था वो आया था करीब करीब 47,800 से 47,850 के जोन में। मेरे ख्याल से एक बार देख लें कि वहाँ जाकर उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो क्रॉस हो गया तो सेकेंड हाफ में शायद बैंक निफ्टी लीड करे, लेकिन उसके लिए क्रॉस करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो एक रिस्क रहेगा क्योंकि 47,800 पर बड़ा कॉल राइटर बैठा है और 47,800-850 बड़ी रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से और जिस तरीके से HDFC बैंक भी वापस इंट्राडे में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। मेरे को अभी भी कन्विक्शन ज़्यादा निफ्टी और निफ्टी आईटी में है, लेकिन बैंक निफ्टी में कन्विक्शन बढ़ेगा अगर 47,800-850 क्रॉस होने लगे और उसके ऊपर अगर आप टिक जाएंगे तो। जनज बात बोल रहे हैं ना, ये वो डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है, सुबह बताई भी गई थी कि तीन कॉल राइटर्स हैं एट द मनी 47,500, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर प्लेस था 47,800 और करीब करीब 48,000 के जोन में। सुबह के बाद हो तो जो अनुज बात कह रहे हैं उसको दिखाइएगा एक बार प्लीज। और एग्जैक्टली उसी क्लस्टर से एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी घूम रहा है। ऑल दो सारे कंट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, बट उसी ट्रेजेक्टरी से सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन से घूमता हुआ। एज ऑफ नाउ इट्स आई टी जो अच्छा कर रहा है। और प्रकाश सर का एक ट्रेड था मेरे ख्याल से JSPL, वो अच्छा करता हुआ अभी अभी करीब करीब 738 का हाई लगा के आया है। और कुछ कंपनीज जहाँ पिक करता हूँ मैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सुबह अच्छा कर रहा था, लेकिन शिवांगी एक बार जरा अपोलो को देखिएगा। अपोलो ये हायर ट्रेजेक्टरीज को बार बार टेस्ट करता हुआ आज करीब 468 पर, आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त? जी बिल्कुल, यू नो पूरे ही ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक अच्छा एक्शन है, एक अच्छा मूवमेंट है। अपोलो टायर्स हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक है जो काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है अपने सपोर्ट जोन्स को और अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात ये है यहाँ पे कि स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है डिस्पाइट द मार्केट वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 485 तक के और 460 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। अच्छा मानस, आपके दो बहुत अच्छे से रीड किए, कैपिटल गुड्स पे आपकी अच्छी पकड़ है, ABB और सीमेंस दोनों ही काउंटर्स जो है वो अपनी ऑल टाइम, ABB तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करने को तैयार है, और सीमेंस को लेके आइएगा एक बार एट 4131, ये भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को। और आपको अगर पिक करना हो इन दोनों में से एक को और स्ट्रेंथ को प्ले करना हो तो वो क्या रहेगा? देखिए दोनों के पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, तो अगर हमें एक चूज करना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा टास्क, लेकिन अगर अगर हम पैटर्न देखें तो दोनों के पॉजिटिव लगते हैं। और मेरे ख्याल से इस बार ABB अपने जो रेजिस्टेंस 4950 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके 5000 के आंकड़े को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो आई थिंक यहाँ पर आप एक डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 2820 के नीचे रहेंगे और टारगेट करीब करीब 5000 के रहेंगे। जब ABB और एक बार जो भारी स्टॉक्स यानी हैवी वेट्स हैं और जिनमें थोड़ी सी अगर आप देखें आज बैकफुट पे आने की टेंडेंसी है, डायरेक्टर साहब एक बार जरा बजाज फाइनेंस लेके आएंगे, अदर एक बार बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों को देखते हैं। 7733 ऑन आई थिंक लोअर साइड, यस ये डेढ़ ऊपर खुला ठीक ठाक, 7800 इसके एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है वहीं से सिंक होता हुआ। और एक बार बजाज फिनसर्व भी रखिएगा, ये करीब 1701 पर, ये भी हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ रेस्ट लेता हुआ अपने कुछ क्रिटिकल फिनसर्व दोनों। राजेश जी आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे इस वक्त? राजेश सतपुत्र जी वीरेंद्र, देखिए बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा,
और ये कंसोलिडेशन कहाँ तक है, ये 7650 7600 ये इसका कंसोलिडेशन सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा वीक होगा, लेकिन इस वीकनेस में मैं उसको सेल नहीं करूंगा, क्योंकि काउंटर में अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो काउंटर में ब्रेकआउट है, तो काउंटर में स्ट्रेंथ है। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले हमारे लेवल के आसपास तो हम उसमें बाय करने की चेष्टा करेंगे रादर देन गिविंग अ सेल। वीरेन, यहाँ पे एक चीज है, एक मेरे मुझे सेल कॉल दिख रहा है जो थोड़ा फ्रेश है, एंड दैट इज SBI कार्ड, जो मैं ऐड करना चाहूंगा। लुक एट SBI कार्ड, स्ट्रक्चर वीक ही है, स्ट्रक्चर में जितनी भी स्ट्रेंथ जितनी पुल बैक हो सकता है वो हुआ, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, जस्ट लाइक UPL। तो लुक एट SBI कार्ड्स, मुझे लगता है इसमें सेल बनता है। स्टॉप लॉस होगा 775 का और जो टारगेट दिखता है वह है 740 का। ओके, चलिए, तो SBI कार्ड यहाँ पर एक सेल कॉल बना। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट में देखिए कुछ फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस आने लगे हैं। पहले हमने बैंक निफ्टी की बात की थी, बैंक निफ्टी देखिए ये, और अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एग्जैक्टली फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाकर थोड़ा रुक रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए 47800 के करीब ही जाकर 47798 एग्जैक्टली 47800 तक गया और वहाँ से स्लिप हुआ। इवन निफ्टी में भी हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था 21670 का, एक बार निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, 21673 वहाँ से स्लिप हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे रेजिस्टेंस लेवल्स, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी थोड़े हल्के हुए हैं हायर लेवल से। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो काफ़ी हल्का हुआ है, मिड कैप भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, और अब स्मॉल कैप देखिए ये थोड़ा सा और हल्का हुआ है। और ये इशू है जब मार्केट में एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो अगले दिन की रैली पे नॉर्मली लोग बेचने आते हैं। अब लोअर लेवल से अगर बाउंस बैक आएगा तो वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा, उस पर एक नज़र रखेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वापस लेकर आइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक शार्प सर्ज आया एकदम से, देखिए स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर। मानस, कोई ट्रेड इस पर? तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चार्ट पॉजिटिव लगते हैं और मेरे ख्याल से कल एक पॉज था, रैली आज रिज्यूम हो गई है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 30-20 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक इस बार ये 3120 से लेकर 3125 की रेंज को, 3120 से 3150 की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। काम करते हैं, अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं जो चार ट्रेड्स आपको मिलेंगे आज। सस्ता ऑप्शन चिल्पर आउट से लेंगे हम, उसके बाद FNO सुपरस्टार शिवांगी सारदा से, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। लेकिन मार्केट में कुछ स्टॉक्स में जैसा मैंने कहा अच्छा मोमेंटम आया, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एकदम से सर्ज आया उस स्टॉक में। उसके अलावा डेल्टा कॉप नंबर से पहले डेल्टा कॉप में एक अच्छा मूव आ रहा है, हालांकि शायद डेल्टा कॉप भी बैन में है शायद। और एक स्टॉक जहाँ पर एक मूव आ रहा है वो है ट्रेंट, एक बार ट्रेंट लेकर आइए, फिर 3100 क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर ट्रेंट में, और ये एक अच्छा मोमेंटम। शिल्पा जी, कोई व्यू ट्रेंट पर? ट्रेंड अगर यहाँ पे देखेंगे कि 3100 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट मिलेगा टूवर्ड्स 3200 3250। लेकिन ये उसका क्रूशियल है कि 3100 के ऊपर इसका सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये आप रेडार में रख सकते हैं, व्यू पॉजिटिव है। ये जैसे लेवल थोड़ा सस्टेन करता है आप इसमें बाय ले सकते हैं। अच्छा, एक बार जरा एशियन पेंट्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे और डेलो की डायरेक्टरी में आता हुआ जरा एक बार आप अपनी राय रखिएगा। आशीष बहती जी, एशियन पेंट्स, ऑल दो अभी मेरे को स्क्रीन पर नहीं नज़र आ रहा कि कुछ शॉर्ट टर्म एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉसओवर है, बट कल बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में ये 20 डे मा तोड़ के गया था। अभी ये प्राइस क्या क्या रहा है, आई मीन, और ये 3280 अगर टूटता है तो इसमें क्या ड्यू है 3200 आपके मुताबिक, जहाँ पर इसका 100 डे मा का प्लेसमेंट है? आशीष जी, वीरेन जी, प्रेशर काफ़ी एविडेंट है एशियन पेंट्स में, उस हिसाब से कल के सेलिंग के बाद आज वापस इसमें प्रेशर बन रहा है, वो काफ़ी अलार्मिंग है। हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें गिरावट और बढ़ सकती है, तो ज़रूर 3200-3210 तक का जोन जो है, जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है, वहाँ तक ये स्टॉक स्लिप हो सकता है। तो शॉर्टिंग की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3340 का एक SL मेंटेन करे और 3210 के टारगेट के लिए इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। जी हाँ, मैं जो खुलते ही साथ बाजार एक बात आपसे कह रहा था कि पिछले चार सेशन का और उससे के पहले के सारे सेशंस का निफ्टी आईटी का क्लियर डिफाइंड जोन था, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जरा प्लीज ड्रॉ कर देंगे डायरेक्टर साहब एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पे 10 डे मा ड्रॉ कर दीजिएगा। एज ऑफ नाउ अभी तक हमने उसको सरेंडर नहीं किया है, बट वो प्लेस्ड है 34890 पे। अनुज, सुबह आईटी में अच्छे स्विंग मिल गए, अभी तक तो अच्छे स्विंग मिल गए, आज स्पॉटलाइट में भी उल्लेख किया गया था,
कोई जरूरी है क्या उस रिस्क को थोड़ा सा और लंबा करें, अगर ट्रेडिंग स्विंग मिल गए हो अच्छे तो उसे कैश में कन्वर्ट करते रहें, और अगर मतलब निफ्टी आईटी के सिंक होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको यहाँ से? नहीं देखिए, बिल्कुल वीरू, आप देखिए हमें ना हमेशा मार्केट के बेसिक टेक्सचर से अलाइन रहना होता है। अगर बेसिक टेक्सचर सेल ऑन रैली का है तो इवन जहाँ पर ऐसा बन रहा है वहाँ लेना चाहिए। और एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि पहले गैप अप में नॉर्मली सेलिंग आती है, उसके बाद लोअर लेवल से फिर मार्केट एक सेकेंड रैली दिखाता है। हो भी जाएगा ना अगर निफ्टी आईटी सेंक, मेरे ख्याल से सेकंड राउंड में भी अगर आपको एक अप्रोच लेनी है ना वो निफ्टी आईटी पर ही लेनी है। जो सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी ना वो भी निफ्टी आईटी ही उसको लीड करेगा। तो अब ये आपने एक ट्रेड ले ली, वो स्विंग आ गई, प्रॉफिट बन गया, एक बार के लिए ले लें, उसके बाद अब जहाँ पर ये निफ्टी आईटी का स्विंग खत्म हो वहाँ पर एक बार वापस री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इवन डे ट्रेडर्स को। इसमें मुझे पूरा क्लैरिटी है। और एक चीज़, अब आज के जो हाइज हैं वो आपके एक सैक्रोसैंक्ट हैं, अगर वो क्रॉस होने लगे तब आएगी अब नेक्स्ट रैली। या तो उसको क्रॉस होने दें या लोअर लेवल पर जब ये खत्म हो जाए सेलिंग वहां पर बाय करें। तो निफ्टी आईटी पे देखिए इस बाजार में, और क्योंकि सुबह सुबह अच्छे प्रॉफिट मिल गए थे, आई मीन हार्डली 30 मिनट के अंतराल में, तो उनको कैश में कन्वर्ट करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और कुछ पेन स्टॉक्स जो अगर आप देखें दिखा रहे हैं, एक बार बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स, आई मीन मैंने एशियन पेंट्स का जिक्र किया, और अमूमन मैं पॉली कैप में इतना सेलिंग का एक्सटेंडेड वर्जन देखता नहीं हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।